वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 21 पढ़ेंगे। अब हमें द लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है। तो लैक वर्ड कहां से आया? लैक्टोज से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो लैक्टोज है वो किसी चीज को ऑपरेट कर रहा है, किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अब डिटेल में हम यहां पे पढ़ेंगे। द इल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन was also a result of a close association between a geneticist, Francois Jacob, and a biochemist, Jacques Monod. देखो, elucidation का मतलब होता है explanation. तो पहली बार lac operon को किसने explain किया था? एक geneticist जिनका नाम था Francois Jacob और एक biologist जिनका नाम था Jacques Monod. तो इन दोनों ने मिलके lac operon को समझाया था। They were the first to elucidate a transcriptionally रेगुलेटेड सिस्टम। तो देखो, यहां पे जेकॉब एंड मोनोड हैं, इन्होंने मिलके पहली बार इलूसिडेट या एक्सप्लेन किया था ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, यहां पे एग्जांपल है लैक्टोज का, इसी को हमने आगे भी पढ़ना है लैकोपेरॉन में, तो थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब यह लैक्टोज है, यहां पर क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है? डीएनए। ठीक, डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। अब यहां पे कौन सा प्रोटीन बनेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्या एक एंजाइम है जो क्या करता है? लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है? डीएनए। डीएनए से यहां पे क्या बन गया? एमआरएनए। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी भी है यहां पे, क्योंकि यहां पे ये एंजाइम बनना जरूरी है। तो ये एंजाइम बनने के लिए यहां पे ट्रांसक्रिप्शन तो होना चाहिए, तो यहां पे हुआ, और इससे क्या बना? ये एंजाइम बना। एंजाइम ने इस लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब मान लो यहां पर लैक्टोज नहीं है, यहां पर लैक्टोज है ही नहीं। अब फिर यह बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में यहां पे क्या है? डीएनए। अब देखो, डीएनए से एमआरएनए और फिर यहां पे बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर बनेगा तो ये तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो काम किस पे करता है? लैक्टोज पे, पर यहां पे तो लैक्टोज है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो रहा है, मतलब कंट्रोल हो रहा है। जब जरूरत है तब तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और जब जरूरत नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, जिसको पहली बार किसने दिया था? जेकॉब एंड मोनोड ने। अब यही हमने पूरा आगे डिटेल में समझना है। इन लैक ओपेरॉन, हियर लैक रिफर्स टू लैक्टोज। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, यहां पर लैक का मतलब है लैक्टोज। तो क्या लिखा है? इन लैक ओपेरॉन ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो देखो, लैक ओपेरॉन में क्या है? पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। दो टाइप की स्ट्रक्चरल जीन होती है, एक होती है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। क्या होती है? मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये किसमें मिलती है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, मतलब कि हम लोगों में, ह्यूमंस में। ठीक है, और यहां पे उसने क्या बोला? पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। तो जो पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन होती है वो किसमें मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में यहां पे क्या है? जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन मिलती है, और जो ह्यूमंस होते हैं या जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन मिलती है। अब इनका क्या मतलब है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक? ये हमने वैसे पहले भी पढ़ लिया था, पर यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। देखो, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन किसमें मिलती है? प्रोकैरियोट्स, मतलब कि बैक्टीरिया में मिलती है, और ये क्या करती है? एनकोड करती है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को। मतलब अगर ये पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है तो इससे एक से ज्यादा प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोटीन बनेंगे, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन कैसी होती है?
पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन ऐसी जीन होती है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स बनते हैं। जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन होती है वो एक ही टाइप का प्रोटीन बनाती है। ठीक है, देखो लाइन में क्या लिखा है, लैक ओपेरॉन में जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनको रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है, कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स। अब प्रमोटर क्या होता है ये तो आपको पता है, प्रमोटर डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जिस पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। और रेगुलेटरी जीन्स क्या होती है, रेगुलेटरी जीन्स ऐसी जीन्स होती है जो स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि रेगुलेटरी जीन्स कंट्रोल करती है कि स्ट्रक्चरल जीन से कब प्रोटीन बनेगा और कब प्रोटीन नहीं बनेगा। देखो ये है रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, इस रेगुलेटरी जीन से सबसे पहले एक प्रोटीन बनेगा, उसे बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये सब हमने आगे पढ़ना है। तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना, ठीक है, अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना तो स्ट्रक्चरल जीन से कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्लियर। अब अगर रेगुलेटरी जीन से एक एक्टिवेटर प्रोटीन बना, ठीक है, तो तब क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन से कुछ बनेगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, रेगुलेटरी जीन ने कंट्रोल किया ना स्ट्रक्चरल जीन को, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना के। अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना तो स्ट्रक्चरल जीन से कुछ भी नहीं बनेगा, अगर एक्टिवेटर प्रोटीन बना तो स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन बनेगा। तो इस तरीके से रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करती है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रिफर्ड टू एज ओपेरॉन। तो देखो बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन अरेंज हो जाती है एक सीक्वेंस में, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ओपेरॉन। तो ओपेरॉन में आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन मिलेगी, प्रमोटर मिलेगा, रेगुलेटरी जीन्स मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, अब देखो लैक ओपेरॉन के अलावा और भी ओपेरॉन्स होते हैं, जैसे एक तो हो गया लैक ओपेरॉन, एक हो गया टीआरपी ओपेरॉन, इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। टीआरपी का मतलब है ट्रिप्टोफेन, फिर क्या है एआरए ओपेरॉन, एआरए कहां से आया, एल एरेबिनोस से, उसके बाद क्या है हिज ओपेरॉन, हिज कहां से आया हिस्टिडीन से, फिर क्या है वी ए एल ओपेरॉन, वी एल कहां से आया वेलिन से। ठीक है, तो यहां पे तो हम लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, लैक का मतलब लैक्टोज। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, अब देखो लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन मिलती है, उस रेगुलेटरी जीन का नाम क्या है आई जीन। ठीक है, अब यहां पे जो आई है उसका मतलब इंड्यूजर नहीं है, उसका मतलब क्या है इनिबिटर। और उसके अलावा लैक ओपेरॉन में क्या मिलते हैं थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं जेड वाई एंड ए। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन में हमें क्या मिला, एक रेगुलेटरी जीन मिली जिसे बोलते हैं आई जीन, और तीन स्ट्रक्चरल जीन मिली जिन्हें बोलते हैं जेड वाई एंड ए। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, तो जो आई जीन है वो क्या बनाती है रिप्रेसर, किसके लिए लैक ओपेरॉन के लिए। हमने क्या पढ़ा था रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन क्या बनाती है, या तो वो रिप्रेसर बनाएगी या तो वो एक्टिवेटर बनाएगी। ठीक है, तो यहां पे कौन सी जीन है आई जीन, आई का मतलब क्या है इनिबिटर। ठीक है, तो आई जीन ने क्या बनाया है यहां पे रिप्रेसर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है जब भी रिप्रेसर बनेगा तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे कुछ भी नहीं बनेगा, ये पढ़ा है। ठीक है, अब कैसे कैसे नहीं बनेगा, ऐसा क्या क्या होगा कि स्ट्रक्चरल जीन से कुछ भी नहीं बनेगा रिप्रेसर के बनने से, उसको समझेंगे। द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेक्राइड लैक्टोज इंटू इट्स मोनोसेक्राइड यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो देखो यहां पे कितनी जीन है, मतलब कितनी स्ट्रक्चरल जीन है, तीन, जेड वाई एंड ए। तो जो जेड जीन है वो क्या बना रही है बीटा गैलेक्टोसिडेज,
ठीक है, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ये क्या करता है, लैक्टोज जो कि क्या है, एक डाई सेकेराइड है, उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब डाइसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड ऐसा शुगर होता है जो दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। तो लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड, जब ये टूटेगा तो दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे, तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अच्छा देखो ये सब कहां हो रहा है, ये सब बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये सब कहां हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्यों बन रहा है, ताकि लैक्टोज को तोड़ सके। अब लैक्टोज के टूटने से बैक्टीरिया को क्या फायदा है, देखो क्या होता है, बैक्टीरिया डायरेक्टली लैक्टोज को खाने की तरह नहीं ले सकता, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली लैक्टोज से एनर्जी नहीं बना सकता। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बनाता है, फिर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और तब ये बैक्टीरिया ग्लूकोज से एनर्जी ले लेता है, इसलिए यहां पे क्या बन रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। द वाई जीन कोड फॉर परमीएज विच इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या होता है, देखो जो वाई जीन है ठीक है वो क्या बनाती है, परमीएज एंजाइम। अब परमीएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये है बैक्टीरिया, इसके आसपास क्या है, लैक्टोज है, जिस मीडियम में ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसके आसपास क्या है, ये लैक्टोज है। अब ये लैक्टोज तभी टूटेगा, है ना, ये लैक्टोज तभी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा जब ये लैक्टोज इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, है ना, जब ये लैक्टोज इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो परमीएज का काम क्या होता है, परमीबिलिटी को इंक्रीज करना, किसकी, लैक्टोज की। तो इससे क्या होगा, परमीएज के होने से क्या होगा, जो लैक्टोज हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर आएंगे, ठीक है, परमीएज क्या करेगा, लैक्टोज की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा जिससे वो सेल के अंदर आसानी से आ जाएगा। क्लियर। द ए जीन एनकोड्स ए ट्रांस एसिटाइलेज, अब जो ए जीन है वो क्या बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज, तो ट्रांस एसिटाइलेज का भी थोड़ा बहुत काम होता है परमीएज की तरह, ठीक है। ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी तक उतना पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखो हमने यहां पे क्या पढ़ा, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन क्या बनाती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई जीन क्या बनाती है, परमीएज, और ए जीन क्या बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, परमीएज क्या करता है, लैक्टोज की परमेबिलिटी बढ़ाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज सेल के अंदर आ सके, कौन से सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर। और ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है, पर तभी भी ऐसा माना जाता है कि वो परमीएज की तरह काम करता है। हेंस ऑल द थ्री जीन्स प्रोडक्ट इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो देखो लैक ओपेरॉन में ये जो तीनों स्ट्रक्चर जीन है जिन्हें क्या बोलते हैं, जेड वाई एंड ए, तो इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके लिए जरूरी है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन्स एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो देखो जो बाकी ओपेरॉन्स भी हैं उनमें भी जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो भी क्या करती हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए जरूरी है। जैसे लैक ओपेरॉन है, तो लैक ओपेरॉन में जो भी स्ट्रक्चर जीन से बन रहा है वो किसके लिए, लैक्टोज के लिए। अब मान लो यहां पे क्या है, इसको एग्जांपल लेते हैं, टीआरपी ओपेरॉन, ठीक है, टीआरपी क्या था, ट्रिप्टोफेन। तो अब यहां पे जो स्ट्रक्चर जीन होंगी, टीआरपी ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चर जीन होंगी उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके लिए होगा, ट्रिप्टोफेन के लिए होगा, ठीक है। अब देखो इस फिगर में लैक ओपेरॉन को दिखा रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये जो लैक ओपेरॉन है इसके सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा,
ठीक है, पेपर के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जो सीक्वेंस है PIPOZYA, इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप, PPOZYA से, ठीक है, PPOZYA। ये पी जो है ये इसके लिए है, प्रमोटर के लिए। ये जो आई है ये किसके लिए है, इसके लिए, ये जो रेगुलेटरी जीन है, आई जीन। फिर एक और पी आता है, ये एक और प्रमोटर के लिए। फिर ये जो ओ आता है ये होता है ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर आ गया जेड वाई, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। जेड वाई क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जिनसे अलग अलग क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। अब देखो लैक ओपेरॉन को यहां पे हम पूरा समझ लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी इसको समझने में, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशन है, पहली क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और दूसरी है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर यहां पे क्या है, लैक्टोज, ठीक है, क्या है, लैक्टोज, क्लियर। तो यहां पे क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहां पे लैक्टोज नहीं है, और यहां पे क्या लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहां पे लैक्टोज है, दो कंडीशन है, क्लियर। तो देखो ये है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के आसपास कोई भी लैक्टोज नहीं है, ठीक, और यहां पे क्या है, बैक्टीरिया है पर उसके आसपास लैक्टोज है, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, हमने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया के अंदर लैक ओपेरॉन होता है, उस लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, जिनका नाम है जेड वाई एंड ए, पढ़ा है। अब जेड वाई ए से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जेड से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से क्या बनता है, परमीएज, और ए से क्या बनता है, ट्रांस एसिटाइलेज। और हमने ये भी पढ़ा है, ये जो तीनों एंजाइम है ये लैक्टोज पे काम करते हैं, ठीक है। चलो आप समझते हैं, तो पहली कंडीशन में क्या है, यहां पे लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चरल जीन से वो एंजाइम ना बने, क्योंकि अगर ये एंजाइम बन जाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे लैक्टोज तो है ही नहीं, और ये जो एंजाइम्स हैं ये किस पे काम करते हैं, लैक्टोज पे। तो पहली कंडीशन में यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बने, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पे लैक्टोज है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो फिर यहां पे एंजाइम बनने चाहिए, और यहां पे एंजाइम बने भी, क्योंकि एंजाइम किस पे काम करते हैं, लैक्टोज पे, और लैक्टोज यहां पे है तो इन्होंने लैक्टोज पे काम किया, ठीक है। दो कंडीशन समझ गए, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, अगर लैक्टोज होगा तो एंजाइम बनेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है ना। तो बस इसी चीज को अब हमें यहां पे समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि जब लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बन रहे, और जब लैक्टोज है तो ये एंजाइम बन रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये सब इसको समझना है। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या है, प्रमोटर रीजन, इस प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां पे स्लाइड करेगा आई जीन पे। आई जीन क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, और आई का मतलब क्या था यहां पे, इनिबिटरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस आई जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बन जाएगा, फिर रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर। हमने क्या पढ़ा था, जब भी रिप्रेसर बनता है तो स्ट्रक्चरल जीन से कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। अब ये रिप्रेसर कैसे काम करता है उसे समझते हैं। देखो रिप्रेसर यहां से होके जाएगा और ऑपरेटर रीजन से जुड़ जाएगा, ये जो ओ है इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर रीजन। तो क्या होगा, रिप्रेसर इस ऑपरेटर रीजन से जाके जुड़ जाएगा, यहां पे लिखा है देखो, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, उससे क्या होगा, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो इससे क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इस प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा, तो इससे क्या होगा, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, मतलब जब एमआरएनए ही नहीं बनेगा, तो फिर प्रोटीन भी या फिर एंजाइम
नहीं बनेगा। तो इस तरीके से यहां पे एंजाइम नहीं बनता है, ठीक है। तो लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम भी नहीं बना। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। अब यहां पे लैक्टोज है, अब अगर यहां पे लैक्टोज है तो उसके लिए यहां पे एंजाइम भी बनने चाहिए और यहां पे एंजाइम बने। तो अब ऐसा क्या हुआ कि यहां पे एंजाइम बन गए, उसे समझना है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर पे क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ गया तो क्या होगा, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। इससे क्या होगा, इस आई जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, ठीक है। यहां पे भी रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा था, अभी तक तो यहां पे सब कुछ सेम है। अब यहां पे रिप्रेसर भी बन गया, ठीक है, क्लियर। आप देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर मतलब जो लैक्टोज है वो किससे जाके जुड़ गया, रिप्रेसर से, है ना। ये क्या था, रिप्रेसर। रिप्रेसर से कौन जुड़ गया, लैक्टोज। तो ये है रिप्रेसर और ये है लैक्टोज। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो गया। रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव। देखो फिर से बता रहा हूं, आई जीन है, आई जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर बन गया। अब क्या होगा, ये जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज है, ये किससे जाके जुड़ जाएगा, रिप्रेसर से। तो इससे होगा क्या, इससे जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। तो उससे क्या होगा, आसानी से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हुआ, जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाया, तो इस वजह से क्या हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आसानी से प्रमोटर से जाके जुड़ गया और फिर यहां पे वो मूव करेगा। उससे क्या होगा, यहां पे एमआरएनए बनेगा जिसे बोलेंगे लैक एमआरएनए, और फिर इस लैक एमआरएनए से यहां पे एंजाइम बन जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, और फिर ये तीनों एंजाइम लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो इस तरीके से लैक ऑपेरॉन काम करता है। तो देखो ये है ऑफ वाली कंडीशन, मतलब यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बना, तो ये ऑफ वाली कंडीशन है, और ये है ऑन वाली कंडीशन, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, एंजाइम बने। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब देखो जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो किस पे काम करता है, लैक्टोज पे। वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है, एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। और जो लैक्टोज है उसी की वजह से जो ओपेरॉन है वो ऑन होता है और ऑफ होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या था, लैक्टोज। तो जब लैक्टोज नहीं होगा तब तो ओपेरॉन ऑफ होगा, ऑफ होने का मतलब कि वहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बना, ये हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा था इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। अब जब वहां पे लैक्टोज था तो वहां पे ओपेरॉन ऑन था, क्योंकि वहां पे एंजाइम बने थे, ठीक है। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर, इसीलिए जो लैक्टोज है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, क्योंकि उसने क्या किया, ओपेरॉन को ऑन किया। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। अब लाइन में क्या लिखा है, लाइन में लिखा है कि मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के आसपास ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंट है, और अगर यहां पे हम लैक्टोज प्रोवाइड करें, ग्लूकोज तो है नहीं तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, लैक्टोज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होगा क्या, जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ परमीएज। ये हमने पढ़ लिया था, परमीएज की वजह से क्या होता है, जो सेल के, बैक्टीरियल सेल के आसपास लैक्टोज हैं वो आसानी से अंदर आ जाते हैं। रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल्स। अब देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली उसने, क्या बोला, बैक्टीरिया के अंदर जो लैक ओपेरॉन है उसमें बहुत कम अमाउंट में एंजाइम बनते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब उसने ऐसा क्यों बोला उसको समझते हैं। ये सेल है, इसके चारों तरफ लैक्टोज है। अब हमने क्या पढ़ा है,
जब लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तभी एंजाइम बनते हैं, ये हमने पढ़ा है। पर इस लैक्टोज को अंदर जाने के लिए एंजाइम की जरूरत है, कौन से एंजाइम की? परमीएज, है ना, परमीएज की जरूरत है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, यहां पे ये बोला गया कि जो परमीएज है या जो बाकी एंजाइम है वो बहुत कम अमाउंट में बनते रहते हैं, तो उसके बनने से क्या होगा, जो लैक्टोज है वो आसानी से अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ही लैक्टोज अंदर एंटर कर जाएगा फिर तो क्या होगा, ये जो एंजाइम्स हैं ये ज्यादा ज्यादा अमाउंट में बनने लगेंगे। तो परमीएज थोड़ा बहुत अमाउंट में बनता रहता है ताकि जो लैक्टोज है वो आसानी से सेल के अंदर आ जाए। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अब जैसे ही लैक्टोज अंदर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ओपेरॉन है वो इंड्यूस होगा, मतलब ऑन होगा, ऑन होने का मतलब उससे एंजाइम बनने लगेंगे। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली फ्रॉम द आई जीन। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, जो लैक ओपेरॉन में आई जीन है उससे रिप्रेसर कंटिन्यूअसली बनता रहता है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन। अब ये भी हमने पढ़ लिया, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो किससे जाके जुड़ जाता है, ऑपरेटर रीजन से, उससे क्या होगा, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। अब हमने पढ़ा था जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने से एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए बनने से प्रोटीन मतलब एंजाइम नहीं बनेंगे। तो ये वाली कंडीशन तो कब है, जब लैक्टोज या फिर इंड्यूसर नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। अब जब यहां पे इंड्यूसर आ जाएगा, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज देखो कुछ नहीं है, कुछ लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरी फॉर्म में जिसे बोलते हैं एलोलैक्टोज, ये भी इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। अब देखो जैसे ही रिप्रेसर बनता है, ठीक है, उस रिप्रेसर से जब इंड्यूसर जाके जुड़ जाता है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, तो उससे क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। और रिप्रेसर के इनएक्टिवेशन से क्या होगा, रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, और जब रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और फिर प्रोटीन बन जाएगा। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर। तो इससे क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से जाके जुड़ जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो जाएगी। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाय इट्स सबस्ट्रेट। अब देखो जो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन है, मतलब कब लैक ओपेरॉन ऑन है कब लैक ओपेरॉन ऑफ है, उसको हम विजुअलाइज देख सकते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। अगर एंजाइम का सिंथेसिस हुआ तो इसका मतलब लैक ओपेरॉन क्या है, ऑन है। अगर एंजाइम सिंथेसिस नहीं हुआ तो इसका मतलब लैक ओपेरॉन ऑफ है। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह कभी भी काम नहीं करेंगे। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो देखो आपको क्या लगता है कि कब तक जो लैक ओपेरॉन है वो एक्सप्रेस होता रहेगा, एक्सप्रेस मतलब कब तक लैक ओपेरॉन से एंजाइम बनते रहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो इसका आंसर क्या है, जब तक लैक्टोज है तब तक लैक ओपेरॉन से एंजाइम बनेंगे, जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाएगा लैक ओपेरॉन से एंजाइम भी बनना बंद हो जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। अब देखो रिप्रेसर जो लैक ओपेरॉन को रेगुलेट कर रहा है उस रेगुलेशन को बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। वो इसलिए क्योंकि रिप्रेसर जब भी बनता है तो वो ऑपरेटर से जाके जुड़ता है, उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर जिनसे कुछ भी नहीं बनता, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। तो लैक ओपेरॉन जो है उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, पर लेकिन उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो हायर क्लासेस का टॉपिक है। बाय बाय।